वो डायमंड का हार जो मैंने घर छोड़ते वक्त आपको दिया था, वो आप अर्चना के गले में डाल देंगे तो दोनों की कुंडलियां मिल जाएंगी। क्यों भैया, क्या सोच रहे हो? अब मैं क्या कहूँ, वो डायमंड का हार खो गया है। खो गया? कैसे? हुआ यूं कि हमारे घर में चोरी हो गई थी। तू इतना बड़ा पुलिस कमिश्नर, ये क्या है रे? वो हार तो चोरी हो गया। चोरी हो गया? ए, ए, तू इतना बड़ा पुलिस कमिश्नर के घर चोरी हो गया और चोर पकड़ा नहीं गया? ए, एसपी, पुलिस में ताकत नहीं है क्या रे? डायमंड नेकलेस कहाँ है? जानते हो ना? अरे देखो, ये तुम्हारी हरकत बिल्कुल ठीक नहीं। आप अपने को बहुत समझदार समझ रहे हो ना? कमिश्नर के घर में तुम्हारी सगाई टूटते ही तुम्हारी असलियत सामने आ गई थी। सीनियर ऑफिसर के नाते बोलता हूँ, ये डायमंड नेकलेस केस मैं हैंडल कर रहा हूँ और मैं ही तहकीकात करूंगा। तुम मुझे मेरी फैमिली के सामने इंसल्ट मत करो। जाओ, कोई दूसरा काम देखो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ये हाथ तुम्हें दे देती हूँ। मुझे वो डायमंड नेकलेस निकाल कर दो। सर, ये डायमंड नेकलेस मैंने उनसे खरीदा, ये बात बिल्कुल सच है। इसे एसीपी साहब को मैंने गिफ्ट में दिया, तो इन्होंने अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया सर। तुम्हारे ड्यूटी में ज्वाइन करते ये लोग सेल में बंद हो जाएंगे, ऐसा मुझे पता था। ये डायमंड नेकलेस बिहार भेजने का बंदोबस्त करो। श्योर श्योर। तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है दीदी, और अब पछता रही हो? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है दीदी। अपनी जिद को छोड़ के आने वाले कल के बारे में सोचोगी तो खुश रहोगी दीदी। क्या बक रही हो? सब जानती हूँ दीदी, मन कहीं है और तुम कहीं। क्यों दीदी तुम अंदर ही अंदर घुटती जा रही हो? जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथों में है, सही वक्त पर सही फैसला लोगी तो हम सब खुशी से जी सकते हैं दीदी। सच दीदी, मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ, तुम चुपचाप सो जाओ। हेलो अंकल, मैं चिंटू। चिंटू, हमें यहाँ से ले जाइए अंकल, प्लीज अंकल। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो अंकल, हम यहाँ बहुत परेशान हैं। नई जगह है ना, ऐसे ही होता है। हम यहाँ छुप के आपको फोन कर रहे हैं अंकल, आप हमारे लिए ना सही, हमारी दीदी जो आपसे बहुत प्यार करती है उसके लिए ही सही, आकर हमको ले जाइए। क्या हुआ, ठीक से बताओ। प्लीज अंकल। दीदी डैडी के खातिर ये शादी करने को राजी हुई थी, लेकिन वो असल में आपको ही चाहती है। हेलो 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 हेलो, क्या करने की सोच रहे हो? सुनो, दोस्ती की खातिर प्यार का बलिदान देना आसान है, लेकिन प्यार में दोनों की बलि चढ़ा देना बड़ा मुश्किल है। तुम दोनों के बीच प्यार है या दोस्ती है, वो तुम दोनों को ही सोचना है। छोड़ करो, कार इतनी मेहनत से चुराई किस लिए? पार्ट्स अलग अलग करके कबाड़ी बाजार में बेचने के लिए, न कि स्टेशन में आके झक मारने के लिए। बाजार तक ले जाने के लिए टैंक में डीजल होना चाहिए ना। अबे जब हमारे टैंक में डीजल नहीं है तो इसमें कहाँ से डाले? बोल भैया, तेजपुर चलोगे? तेजपुर वो कहा भाई, मुझे नहीं मालूम तेजपुर जाने में क्या दिक्कत है। मैं नहीं जाता। जा, हेलो, विल यू गो टू तेजपुर? व्हाई नॉट, आई स्पीक बिहार टाइप इंग्लिश। वो भी टूटी फूटी बोलता है। चल रहे हो ना? अबे दांत तोड़ दूंगा। सुन, मुझे लगता है ये बकरा फंस गया है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, अभी यही तो बकरा है। तुम लोग मुझे यहाँ के नहीं लगते। नहीं, दोनों मिलकर ड्राइविंग करते हो? मैं ड्राइवर, ये ओनर। मैं ओनर नहीं, पार्टनर। नाम क्या है? चार्ल्स सोबराज। चार्ल्स सोबराज, ये तो किसी क्रिमिनल का नाम है। कम ए कम आउट। गाड़ी यहाँ क्यों रोकती? आजा बेटा, हैंड्स अप करो, हैंड्स अप। गले में जो चेन है वो निकालो, जेब में जो पर्स है उसका कैश निकालो, कार में जो बैग है उसमें भरा हुआ माल बाहर निकालो। निकाल रहे लगता है। दे 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 दे। ये क्या है?
खुद ही देख लो। क्या हुआ बे? अरे बाप रे भैया, ये गन कब सौंप दिया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तो समझ लो। और इस तरह हमने चोरी का प्लान बनाया, लेकिन कोई भी हमें चोर नहीं समझता। अब आप ही बताइए सर, हम लोग चोरी है ना सर? नहीं है, इसीलिए तो कुछ नहीं बचा। गाड़ी कहाँ से उड़ा के लाए हो? लाए तो मगर बेकार है, पुलिस स्टेशन में सौंप देंगे। चलो अब तो पकड़े गए हो तुम लोग, अब तेजपुर पहुँचने में कितनी देर लगेगी? पटना में पूछा था तो रात के 9:30 बजे पहुँचोगे बोला था। यहाँ तो दिन दहाड़े कुछ भी हो जाता है, और अब तो रात हो गई है। अरे बाप रे, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? सर कुछ बुद्धू लोगों ने बीच रास्ते में बैलगाड़ियां खड़ी करके रास्ता रोक रखा है। तुम दोनों तो बुद्धिमान हो, रास्ते से हटाओ ना उसे। एक या दो नहीं, बहुत गाड़ियां हैं, सुबह हो जाएगी। तो गांव तक जाने का दूसरा रास्ता होगा, पता करो। जब मेन रोड ही कच्ची है तो दूसरी रोड कैसी होगी? बाप रे, डाकू लगते हैं। लगते नहीं, वो डाकू है। रिवर्स गियर लगा के भागते हैं। जल्दी कर। अरे भागते कहो, रुको, बचाओ भैया। भाई साहब, मेरे पास पीतल की चेन भी नहीं है लूटने के लिए। डाकू साहब, हमारे पास चिल्लर पैसे भी नहीं है। जो बैठा है उसके पास बहुत माल है, उसके गले में सोने की चेन है, पर्स में भी बहुत रुपए हैं, बैग में भी बहुत सारा माल है। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ डाकू बाबू। डाकू बोलता है, इधर का देख रहे हो, अंदर देखो। हाँ हाँ, कोई नहीं है। तो फिर सोच कर रहे हो, दोनों को बांधो। ससुर को छोड़ना नहीं, उसको पकड़ो। देखो कहाँ गया, पकड़ो पकड़ो, खोजो कहाँ है। देखो उस तरफ देखो, हमने आदमी को मारा है, देखो उसको उधर। जगना, मंगल, अरे कहाँ मर गए ससुर लोग? गलती हो गई डाकू जी, बिहार में रात को घूमना नहीं चाहिए बोलने पर भी उसको शर्म नहीं आई। दरअसल उसे हम बीच रास्ते में ही मारने की सोच लिए थे, आपने मार के बहुत बढ़िया किया साहब। अरे तुम धीरे बोलोगे तो इनको कैसे सुनाई देगा, ये कार का आदमी लुच्चा है, तुम बिहार का आदमी अच्छा है, हम दोनों छोटा बच्चा है, अब हमें छोड़ दो, हम कच्चा है। अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हम दोनों दौड़ जाएंगे, हम आपके पैर पकड़ते हैं, हमें छोड़ कर देखिए सर। मां गलती हो गई, गलती हो गई। बोल रहे थे मेरे बारे में? बहुत अच्छे हैं। एक आदमी 10 आदमी को मारा, बाहर खाऊ खाने की आदत, इधर मेरा अनाज खा उधर उसका मार खा। ए, मरता क्यों नहीं? मुन्ना, मंगल, चल आज मैं उसको मारता हूँ, चल। आपने जो एड्रेस पूछने को बोला था, हमने दरवाजे ठोके मगर कोई जवाब नहीं देता, बाहर नहीं निकलता। क्या सबके सब सो रहे हैं? सोए हैं कि डाकुओं के डर से भाग गए सब? अरे कम से कम कोई बाहर नजर आता तो उससे पता पूछते ना हम लोग। साहब यही है वो लोग, जाके इनसे एड्रेस पूछो। ये बताने वाले चेहरे नहीं लगते। पकड़ो इसे। क्या देख रहे हो, पकड़ो साले को। टाटा। गोली मार, गोली। साले को छोड़ना नहीं है, हरामखोर हमारे गांव आके हमें मार देता है। पुलिस पकड़ो, मेरे सामने मारा, बिहार में आके सारा नाटक करता है क्या? जिंदा कर दूंगा, मार दूंगा सब, मेरे सामने मारा। पत्नी के लिए भाग भाग, अरे भाग।
बहुत लेट कर दिया आपने, हमने जिस बंदूक से आपको डराया था आप उसी बंदूक से इन्हें डरा रहे हो। हाथ क्यों उठाया तूने? उस पे बंदूक तानी इसलिए हाथ उठा दिया, उसके गोली चलाने से पहले हाथ जोड़ लेते हैं हम लोग। ए, शायद उनको समझ में नहीं आया। बहुत असली है, जाके बंदूकें इकट्ठा करो। जेब में बहुत माल है, निकाल लो। कोई रणवीर सिन्हा साहब का एड्रेस जानता है या नहीं? सुरेंद्र, सर, सुरेंद्र तुम यहां कैसे? जानते हो ये कौन है? यहां के एमपी हैं, मेरे जीजा जी हैं, और ये उनका बेटा अर्चना का होने वाला पति। लेकिन तुम्हारा इस तरह अचानक आखिर हो क्या रहा है? सर वही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। गांव में एंटर होते ही आपका एड्रेस पूछने से पहले ही हम पर अटैक कर दिया। इन्होंने हमें बात करने का मौका तक नहीं दिया। सर क्या यहाँ सब ऐसे ही लोग हैं? सर देश को बचाने वाले गन पकड़ेंगे तो मिलिट्री वाले कहलाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले गन पकड़ेंगे तो पुलिस ऑफिसर, लेकिन इन लोगों के हाथ में गन्स देखकर मैंने इन्हें डाकू समझ लिया। सॉरी सर। कौन है ये, इधर क्यों आया फिर? राणा ये सुरेंद्र है, मेरा सबऑर्डिनेट, बहुत डायनामिक और सिंसियर ऑफिसर है, हमारा फैमिली फ्रेंड है। ओहो फैमिली फ्रेंड है, ए हाथ नीचे करो, फैमिली फ्रेंड है अपना। अच्छा फैमिली फ्रेंड है ये, इधर क्यों आया फिर? क्या बात है सुरेंद्र, इनविटेशन भेजे बिना ही तुम वैसे अचानक, कम से कम इन्फॉर्म तो कर देते तुम। हाँ मैं एमपी, पार्लियामेंट में सबको ऐसा बिठाता हूँ, चलो तू मेरे को इधर ऐसा बिठाया। अर्चना मुन्ना शादी छोड़ दिया, बिहार कमिंग छोड़ दिया, ये सब। ए उठो साले, उठो, घबराने का नहीं है, चलो फैमिली फ्रेंड है अपना हो। साला बिना वेडिंग कार्ड दिया नहीं, बिना बोला आया, क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को भी दिमाग थोड़ा कम रहता है। दिखाओ। ये डायमंड नेकलेस आपको देने के लिए आया हूँ सर। वेल डन माय बॉय। राणा जानते हो ये क्यों आया? अरे मालूम हो गया रे, दिखा दिया ना डायमंड, देने के वास्ते आया। अच्छा आदमी है रे तू, ये डायमंड का वैल्यू मालूम है? 20 लाख। 20 लाख मतलब बहुत होता है। इतना पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन लगता है 2000 से ज्यादा होगा। जब तक वो डायमंड हमारे हाथ नहीं लगता यही लॉक हो जाते हैं।